एवरीवन, मैं हूं गरिमा और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। जब कभी भी हमारे घर में गेस्ट इनवाइटेड होते हैं तो हम सब सोचते हैं कि ऐसा क्या बनाएं कि जिससे गेस्ट इंप्रेस हो जाए और आपकी तारीफ करें। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी ही रेसिपी लेकर आई हूं जो विजुअली अपीलिंग तो है ही और खाने में बहुत ही डिलीशियस है और जिसे खाने के बाद गेस्ट आपकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाएंगे। तो चलिए आज की बहुत ही इंटरेस्टिंग और इनोवेटिव रेसिपी देख लेते हैं। इस डिश में सबसे पहले बनाएंगे मलाई कोफ्ता, जिसके लिए लिया है 2/3 कप पनीर और ये पनीर मैंने घर पे ही 1 लीटर दूध से रेडी किया है। और अगर आप भी होममेड पनीर का यूज कर रहे हैं तो पनीर का पूरा पानी निकल जाने दीजिएगा, थोड़ी देर के लिए आप फ्रिज में रख दीजिए ताकि इसका मॉइस्चर लेवल कम हो जाए। और अब पनीर को अच्छे से मैश कर लेना है जैसे हम छेना बनाते समय करते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, ऐसा करने से कोफ्ते बहुत ही सॉफ्ट और माउथ मेल्टिंग बनते हैं। अब डालेंगे 2/3 कप उबला मैश किया हुआ आलू, जितना पनीर उतना ही आलू लेना है और आलूओं को भी बिल्कुल ठंडा करने के बाद ऐड करना है। 1 बारीक कटी हुई ग्रीन चिली, 2 चम्मच बारीक कटी हुई धनिया पत्ती, 1/2 चम्मच नमक और टू टेस्ट, और ये 1 छोटा टुकड़ा अदरक का, तो इसे ग्रेट करके ऐड करेंगे। और अदरक और ग्रीन चिली आपस में मिलकर कोफ्तों में एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर ऐड करते हैं। अब डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर मिक्सचर का मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा और एक अच्छी बाइंडिंग देगा। कॉर्नफ्लावर की जगह आप अरारोट भी डाल सकते हैं या फिर मैदा, लेकिन अगर आप मैदा डाल रहे हैं तो आपको कॉर्नफ्लावर का जस्ट डबल मैदा डालना पड़ेगा, तब जाकर बाइंडिंग आ पाएगी। तो अब इस मिक्सचर को बहुत ही अच्छे से कंबाइन करके मैश करके इसका एक डो बना लेंगे। तो डो रेडी हो गया है। आप थोड़ा सा डो हाथों में लेंगे और इसकी एक बॉल बनाएंगे, फिर इसे फ्लैट कर देंगे और फ्लैट करने के बाद इसमें डालेंगे फिलिंग। मैंने किशमिश डाली है, आप काजू के टुकड़े भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे से सील करके इसकी एक स्मूथ क्रैक फ्री बॉल हमें रेडी कर लेनी है और इसी तरह बाकी के कोफ्ते भी रेडी कर लेंगे। तो इस मेजरमेंट के साथ मैंने इस साइज के 7 कोफ्ते रेडी किए हैं और अब हम इन कोफ्तों को बनाएंगे, वो भी बिना डीप फ्राई किए हुए। तो इसके लिए लेंगे अप्पे पैन और पैन को मीडियम आंच पे रख के थोड़े से ऑयल के साथ ग्रीस कर देंगे और बस 1 चम्मच ऑयल की ही जरूरत है इन सारे कोफ्तों को फ्राई करने में। अब कोफ्ते डाल देंगे और आंच मीडियम ही रखेंगे। इन कोफ्तों को बिना कवर किए हुए पकने देना है मीडियम आंच पे ही। बस बीच बीच में थोड़ा सा ऑयल लगाकर इन्हें पलटते रहिएगा जिससे कि ये ज्यादा ब्राउन ना होने पाए और चारों तरफ से अच्छी तरह से सिक जाए। और बीच के कोफ्ते बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं इसलिए उन्हें पहले पलट दें। तो इस तरह से हल्का सुनहरा होने तक हमें चारों तरफ से कोफ्तों को सेक लेना है। तो ये देखिए अप्पे पैन में ही कोफ्ते बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हो गए हैं और वो भी बस 1 चम्मच ऑयल से। ग्रेवी बनाने के लिए कुकर में डालेंगे 2 मीडियम साइज के कटे हुए प्याज और ये 3 टुकड़े बीटरूट के। तो यही सीक्रेट है हमारी पिंक ग्रेवी का, लेकिन बीटरूट ज्यादा नहीं डालना है, 2 से 3 पीसेस काफी हैं क्योंकि बीटरूट में थोड़ी सी करवाहट होती है। 10 से 12 काजू, 4 लहसुन की कलियां, 1 छोटा टुकड़ा अदरक का, 1 बेलीफ तेज पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 1 सिनेमन का टुकड़ा दालचीनी, 3 से 4 लौंग डालेंगे, 3 हरी इलायची, 1/2 चम्मच नमक और 1/4 कप पानी। और अब इन सबको तेज आंच पर 4 से 5 सीटी आने तक पका लेना है। कुकर का प्रेशर खत्म होने के बाद इसे ओपन करके ठंडा होने दीजिए और बड़ी इलायची दालचीनी निकाल लीजिएगा क्योंकि ये ग्रेवी के कलर को चेंज कर सकते हैं। और इसकी प्यूरे बना लेंगे। अभी एक पैन में डालेंगे 1 चम्मच बटर और अब प्यूरे डाल देंगे और प्यूरे को छान कर ऐड करेंगे। इससे क्या होगा, जो भी बीटरूट और स्पाइसेस के रेशे होंगे वो छन जाएंगे और ग्रेवी बहुत ही स्मूथ और मखमली बनेगी। अब ग्रेवी को और भी रिच और क्रीमी बनाने के लिए डालेंगे कोकोनट मिल्क और इससे डिश को एक नया ट्विस्ट और टेस्ट मिलेगा।
कोकोनट मिल्क डालने के बाद ग्रेवी को आपको ज्यादा नहीं पकाना है, बस 3-4 मिनट के लिए पकाइएगा, अदरवाइज कोकोनट मिल्क फट सकता है। वन फोर्थ टीस्पून व्हाइट पेपर पाउडर डालेंगे और सॉल्ट टू टेस्ट। अब 1/4 कप मिल्क ऐड करेंगे, इससे ग्रेवी में स्वीटनेस आएगी। आप ये पूरी ग्रेवी मिल्क और क्रीम से भी बना सकते हैं कोकोनट मिल्क स्किप करके। लास्ट में गार्निश कर देंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी के साथ और ग्रेवी बनके रेडी हो गई है। सर्विंग के लिए एक प्लेट में कोफ्ते रखेंगे पहले और उसमें डालेंगे ग्रेवी, क्योंकि कोफ्तों को डायरेक्ट ग्रेवी में डाल देने से कोफ्ते सौगी हो जाएंगे। गार्निश करेंगे कोरिएंडर लीव से, थोड़े से बीटरूट जूलियन और ऊपर से थोड़ी हैवी क्रीम डाल देंगे। तो अपनी फैमिली और गेस्ट के लिए इस डिश को जरूर बनाएं और उन्हें इम्प्रेस करें। इंजॉय करिए इस डिश को नान पराठा राइस के साथ। और अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो, इनोवेटिव लगी हो, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो और सब्सक्राइब करिए चैनल को ऐसी और भी अच्छी रेसिपीज देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।